हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? जैसे कि हमने कुछ क्लासेस देख ली है और अब हम उसके आगे, हमने थ्योरेटिकल पार्ट 12th क्लास के अंदर ख़त्म कर लिया है। अब हम 12th में थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपने पीछे देखा भी था कि फॉर्मेट था, शायद आपने वो फॉर्मेट नोट किया या नहीं किया। जिसने किया तो ठीक है, नहीं तो वो पिछले वाले फॉर्मेट को नोट कर ले। आज वैसे मैं दोबारा बनाया मैंने फॉर्मेट, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक्स और वाई दोनों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्ट जब करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगाएंगे लगाएंगे ये, है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि इसने लगाए 1 लाख और इसने लगाया 50,000 रुपये कैपिटल। और जो हमारा पार्टनर एक्स था और वाई था, इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया और बोला कि इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा आपका 5% दोनों को। इसके बाद सैलरी के ऊपर भी डीड था, बोला गया सैलरी जो है एक्स को दिया जाएगा, वो दिया जाएगा सपोज करो 5,000। और ये 5,000 जो था, इस 5,000 रुपए के आगे मैं लिख देता हूँ एनुअल है ये पर एनम। और मैंने आपको नेट प्रॉफिट दे दिया और मैंने कुछ बोला ही नहीं। नेट प्रॉफिट है मेरे पास सपोज करो 70,000। जब ऐसा सिचुएशन आए कि नेट प्रॉफिट सिर्फ दे दूँ तो मान लेना है कि ये नेट प्रॉफिट क्या रहेगा, हमारा ठीक ही रहेगा। इस नेट प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब ये दोनों जानना चाहते हैं कि हम दोनों आपस में कितना कितना इस 70,000 में से बांटेंगे, इसका हक कितना है इस 70,000 में से। अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताऊं पीएसआर, तो बट ऑब्वियस है नहीं गिवन, तो आप क्या मान लोगे बराबर। ये दोनों क्या जानना चाहते हैं कि हमारा इस पे कितना हक है। तो इसको एक पार्टनर को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, उसी को हम एक पी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के थ्रू समझेंगे। देखो, जो हमारा पी एंड एल था, मैंने बताया था आपको कि पी एंड एल से ही बनता है हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल में इस साइड में क्या आता है, एक्सपेंस आता है अप्रोप्रिएशन में, और इस साइड में इनकम। इनकम सिर्फ एक ही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाकी नहीं होता। तो हम एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं कि एक्स जानना चाहता है और वाई जानना चाहता है कि मेरे हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, नेट प्रॉफिट हम बाई साइड में लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट पता है कहाँ से आया होगा, पी एंड एल से निकल के आया होगा 70,000। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो दे रखा है, हमने लिख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर का खर्चा या बिजनेस का खर्चा, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है या पार्टनर का, बताओ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर को तो पार्टनर पे किए जाने वाला खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू साइड में इधर दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 5% लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 5% पर एनम है, इसको भी 5%, इसको भी 5%। तो ठीक है, एक्स और वाई दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो 1 लाख का 5% क्या होगा बताओ, 5,000, है कि नहीं? और ऐसे ही वाई को दिया जाएगा 50,000 पे, तो 2,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। कहने का मतलब है कि 70,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है और इसमें से अभी ये खर्चे तो माइनस हुए नहीं, ये मान के चलते हैं। तो ये 70,000 का जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से पहले खर्चे सारे माइनस कर दूं, वो भी किसके, पार्टनर के, तब जाके बटेगा ये।
सैलरी किसको दिया जाएगा? एक्स को। तो टू साइड में लिखेंगे हम एक्स सैलरी है कि नहीं, कितने रुपए का? 5000 का। चलो थोड़ा और सिंपलिसिटी करने के लिए हम इसे 5000 ना लिख के ना 2500 कर देते हैं, क्लियर? तो 2500 रुपए, और तो कुछ है नहीं। अब प्रॉफिट जो बांटेंगे, ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फॉर्मेट कैसे बनेगा, उसी फॉर्मेट के बिहाफ पे होगा ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व एंड सरप्लस, उसको नोटिंग करना। अब इसके ऊपर हम अलग अलग से क्लास भी लेंगे कि इसको कैसे निकालना जाए। अब देखो बांटने का क्या तरीका, सिंपल क्या निकालोगे, 70000 है कि नहीं, और यहां लिखा 70000, और यहां लिखा आपने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये वर्ड लिखना है हमें, टू कैपिटल। अब किस किस में बटेगा? सर ये बटेगा दो पार्टनर में, एक्स और वाई में, जो जानना चाहते हैं। प्रॉफिट क्या है? 70000 में से अगर हम 10000 माइनस कर देंगे, कैसे निकालेंगे? 70000 टोटल है, उसमें से 10000 माइनस करेंगे तो 60000। अब ये 60000 किस में बटेगा? एक्स और वाई में। तो एक्स में 60000 का मतलब 30000, और इसमें भी 30000, इक्वल है ना आपका? देखिए आपका इक्वल है, तो ये बट गया हमारा 60000 रुपए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा, तो आंसर इज 30000 30000। अगर पूछा जाए कि एक्स को टोटल कितना मिलेगा, कितना गेट रिसीव करेगा, तो एक्स टोटल रिसीव करेगा एक 30000, एक 5000 35000, और सैलरी 2500, तो 37500। अगर टोटल कितना रिसीव करेगा तो उसका आंसर सबका जोड़ के, अदरवाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया, और भी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पहले एक बार जितने भी एग्जाम्पल करूं, आज मैं एग्जाम्पल करवाता रहूंगा, आपको नोट करते जाना है। नंबर वन नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है? अब चलते हैं हम थोड़ा एग्जाम्पल नंबर टू पे। एग्जाम्पल नंबर टू इसे मिटा दे, हाँ जी, इसी में थोड़ा थोड़ा मैं चेंजेस करता रहूंगा तो आपको क्लियर समझ में आता रहेगा। अब मैंने क्या करा, नेट प्रॉफिट जो था, ये नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया आफ्टर चार्ज। चलो पहले मैं सिंपल सिंपल लेता हूं, फिर ये लेके चलूंगा, ठीक है? इसको नोट करिए पहले आप, फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। हाँ जी तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपने एक क्वेश्चन तो कर लिया, अगेन इधर क्या लिखेंगे बताओ? इधर सारे के सारे क्या आएंगे? एक्सपेंसेस, और इधर सारे के सारे इनकम, है ना? इनकम तो एक ही होता है, खर्चे भी हमारे दो तीन ही है, गिने चुने, ठीक है? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई है दो पार्टनर, एक मिस्टर एक्स है और एक वाई है। सारे एग्जाम्पल को आपको ध्यान से नोट करने हैं, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल इसका 1,00,000, और इसकी कैपिटल मानते हैं, सेम एग्जाम्पल रख लेते हैं लास्ट वाला, 50000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10%, ठीक है? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या एक दो एक्सपेंस इनकम डाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देते हैं, चलो 2000। इसके ऊपर भी ना हम ना पूरे पूरे टॉपिक करने हैं, हमें एक एक क्लास पूरी लगनी है इसके ऊपर, अभी तो सिर्फ हम इसमें देख रहे हैं कैसे करेंगे। और 3000 सैलरी, अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा इसको, 1000 यहां ना पर मंथ लिख रहा हूं, और यहां पे 2000 रुपए क्वार्टरली, पर क्वार्टर लिख रहा हूं, ठीक है? चलिए नेट प्रॉफिट दिया मैंने आपको, नेट प्रॉफिट दिया मैंने 60000, ठीक है? और इसके बाद मैंने बोला इंटरेस्ट, या फिर मैंने लिखा मैनेजर कमीशन, दस हजार। तो
सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि जो ये प्रॉफिट दे रखा है ये ठीक प्रॉफिट है या नहीं है। अब ये कैसे पता चले कि ये प्रॉफिट ठीक है या नहीं है? मैं अगर ये मैनेजर कमीशन हटा दूँ ना, तो आपको अजम्पशन लेना पड़ता कि ये क्या है हमारा ठीक है, जब कुछ ना गिवन हो। अब सबसे पहले बताओ, मैनेजर क्या हमारा पार्टनर होता है? आंसर इज सर, मैनेजर पार्टनर नहीं होता। लेकिन क्या मैनेजर का खर्चा हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं जब पार्टनर नहीं है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं? तो इसके अंदर तो खर्चे उसी के आएंगे। किसके आएंगे? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के। तो ये पार्टनर नहीं है। तो अब हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये 10,000 रुपये इसमें से माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब पीएनएल बना होगा तो इसको माइनस करना भूल गए होंगे, तभी तो बताया जा रहा है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और इसको नहीं हुआ है, और इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज मैनेजर कमीशन, ठीक है ना? तो जो ये नेट प्रॉफिट है आपका, इसमें से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ। सेम अगर ये लाइन में हटा दूं सेंटेंस, तब भी हमें अजम्पशन लेना पड़ता है कि मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ। अगर मैं आफ्टर चार्ज लिख देता तो माइनस होता। तो अब मैनेजर कमीशन इसमें से माइनस नहीं हुआ, तो हमें माइनस करना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाएंगे वो हम सही प्रॉफिट दिखाएंगे ना, नेट प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए। मैंने लिखा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट लिखा मैंने 60,000। अब 60,000 नेट प्रॉफिट में कमीशन जो है वो पहले से माइनस नहीं है, तो लेस करेंगे कमीशन। कमीशन कमीशन कितने का है हमारा? 10,000 का। 10,000 का तो हमारा यहाँ पे आएगा 50,000 रुपये, ठीक है ना? हमने क्या करा, पहले माइनस कर दिया। माइनस नहीं है बिजनेस का खर्चा, तो माइनस करके ठीक करो ना इसे। अब एक एक करके करेंगे। कैपिटल यहाँ कहीं नहीं आएगा, इसके ऊपर का ब्याज आएगा सिर्फ, में ये बात ध्यान रखना है। इधर सारे के सारे खर्चे, अब देखो सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आएगा, पार्टनर सैलरी इस साइड आएगा, हाँ पार्टनर का कमीशन वो भी इस साइड आएगा, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगा? एक्स को और वाई को। एक्स को देखा जाए 10%, तो 10% किसका? इस पे कैपिटल के ऊपर, तो 10,000, और दूसरा 50,000 पे 5,000, तो टोटल क्या आ गया हमारा? 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना बिजनेस के लिए इनकम है। बाई साइड में दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का और वाई का। एक्स का क्या है? 2,000, एंड वाई का क्या है हमारा? 3,000। तो टोटल आ गया हमारा 5,000, ठीक है ना? अब आगे है सैलरी, तो हम लिखते हैं पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी, अब यहां एक्स भी है और वाई भी है कि नहीं? एक्स की सैलरी कितनी होगी? अगर 1,000 रुपये पर मंथ है तो 12,000, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पर मंथ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम। एक साल में कितने बार क्वार्टर आते हैं आपके? चार, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वाई की कितनी हो जाएगी? 8,000। तो कितने बन गए हमारे? 20,000। अब ये दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो ये पता चले। तो पीएसआर तो दिया नहीं, तो आपको क्या मानना है? पीएसआर नहीं दे रखा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर का मतलब 1:1 मानना है। जब नहीं दे रखा हो तो आपको मानना पड़ेगा। अब हम इसका पहले टोटल कर लेते हैं एक बार। टोटल अगर करें तो 55,000, 55,000, इसमें से माइनस कर देंगे 35, तो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कितने? अगर 35 माइनस करेंगे 20, तो एक्स और वाई के बीच में कितने बटने चाहिए? 20,000। तो बताओ, रेशियो अगर बराबरी का है तो एक्स के हिस्से में कितना जाएगा? आपने सीखा था ना कि आपने सीखा था कि 10,000 अगर प्रॉफिट है, 20,000
तो मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। वही तो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। तो ये आ गया एक के हिस्से में 10,000, इसके हिस्से में भी 10,000। ये लो एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या सीखा हमने कि अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा माइनस करना भूल गए तो यहाँ पहले माइनस करके उस प्रॉफिट को करेक्ट करो और उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे, करेक्ट? ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या लिखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। एक्स का कैपिटल 1 लाख, वाई का कैपिटल आपका 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया है मैंने, तो दोनों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ही रहेगा। इंटरेस्ट और ड्रॉइंग 2,000 और 3,000 दे दिया, सैलरी भी दे दिया। अब मैं आगे की बात लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आगे की बात है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ₹70,000, ठीक है ना। आफ्टर चार्ज, आफ्टर चार्ज एक्स सैलरी, एक्स सैलरी। अब ये प्रॉफिट जो दे रखा है, ये प्रॉफिट एकदम गलत गिवन है। मैंने लिखा नेट प्रॉफिट ₹70,000 आफ्टर चार्जेस एक्स सैलरी, यानी इस प्रॉफिट में एक्स का सैलरी माइनस है। तो अगर यही प्रॉफिट मैं यहां पे ले लेता हूं तो मुझे तो एक्स का सैलरी भी यहां दिखाना पड़ेगा, तो डबल हो जाएगा ना। हम पहले से ही माइनस है, फिर यहां दिखा दूं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर यहां दिखाए ना, नहीं हमें दिखाना तो पड़ेगा। रूल के हिसाब से हमें सारे खर्चे दिखाने पड़ेंगे क्योंकि उसके कैपिटल में जाएगा। तो जो यहां पे नेट प्रॉफिट लिखा है और वो था हमारा 70,000, तो इसको ठीक कैसे किया जाए? अननेसेसरी चीज माइनस है इसमें से, जो माइनस नहीं होना चाहिए, तो हमें उसको प्लस कर देते हैं। प्लस कर देते हैं, प्लस किसका? एक्स का सैलरी। एक्स सैलरी, अगर मैं एक्स का सैलरी प्लस करूं, ऐड कर देंगे एक्स का सैलरी, तो बताओ एक्स का सैलरी कितना है? तो सर ₹1,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, तो ₹12,000 ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? अभी आ जाएगा हमारा 88,000। तो समझ रहे हो ना, इस प्रॉफिट पे भी ध्यान देना है। तो नेट प्रॉफिट जो था पिछले वाले एग्जाम्पल में, मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं था तो माइनस होना चाहिए था, तो माइनस कर दिया। इसमें पार्टनर का सैलरी माइनस है, जो माइनस नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आएगा? बाई साइड में आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा जाए तो 2 और 3, तो एक्स और वाई दोनों का है। एक का 2,000 है, एक का 3,000 है, और ये आ गया हमारा टोटल में थोड़ा सा 5,000 है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दे दे 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको? एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा। कितने मिलने हैं? 10,000 और 5,000, टोटल क्या आएगा? 15,000। इसके बाद आएगा सैलरी, टू साइड में सैलरी। सैलरी सैलरी किसका आएगा? एक्स का और वाई का। एक्स का जो सैलरी होगा वो देखो कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000, और दूसरे का आएगा 8,000। तो आपको अच्छे से पता है कि इसका टोटल आ गया 20,000। बिल्कुल पहले जैसा एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक ही चीज चेंज की। चलो अब ऐसा ही करूंगा, आप बोलते हो तो एक ही एग्जाम्पल में मैं कुछ चीजें चेंज कर दूंगा। पीएसआर बताओ इन दोनों का क्या होगा? मैंने दिया नहीं है, जज करके बताओ फटाफट। सर 1:1 रहेगा, है ना, दिया नहीं तो क्या रहेगा? 1:1। टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 93,000। 93,000। अब 93,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं कितने? 35,000। तो 93,000 में से मैं 35 माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आंसर 0, आठ में से 3 के 5, 58। आंसर क्या आ गया हमारा? 58। तो 58,000 रुपीस
टोटल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, 58,000 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्स और वाई दोनों में बढ़ जाएगा। 58 का आधा 1:1 है, तो बताओ इसका 1/2 कर दोगे आप, तो 58 का 25 और 3 28, 28 ही होगा ना, या 29, 29 आएगा, 28 नहीं 29,000। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल है। क्या सीखा तीसरे एग्जाम्पल में हमने? कि अगर कोई नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस हो तो पहले हम उस नेट प्रॉफिट में सैलरी को एडिट करेंगे, और फिर हमारा काम जैसे चलता था वैसे ही चलता आएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा दोनों को ऐड करके, आप मुझे जवाब देना इसका। पहले इसको नोट करिए आप आराम से, फिर उसका जवाब देना। पहले इसको नोट करिए आप फटाफट। चलो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि सर चेंज कर दो इसमें, तो चेंज ही कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट 70,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बट बिफोर चार्ज मैनेजर कमीशन रुपीस 10,000 या 12,000 लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन बस। तो मतलब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, बहुत ज्यादा झोल है इस प्रॉफिट में। एक चीज तो माइनस नहीं होनी चाहिए थी, सैलरी माइनस कर रखा है तो वापस ऐड करो ठीक करने के लिए। एक चीज माइनस किया ही नहीं जो माइनस होना चाहिए, इसको माइनस करो। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 70,000 में क्या चीज आप माइनस करना भूल गए? मैं बोलूंगा कमीशन माइनस करना भूल गया तो माइनस कर दूंगा, और क्या चीज जानबूझ के गलत माइनस कर दिया तो मैं उसको प्लस कर दूंगा, क्या? सैलरी। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा 12,000 रुपये, और क्या होगा लेस? कमीशन। तो ये 70,000 आ गया है ना। अब बताइए टोटल प्रॉफिट क्या है? अब 75, और यहां भी क्या आएगा बताओ? 75। अब आंसर यहां क्या आएगा? इसमें से 35 माइनस कर दो, 75 में से 35, तो क्या बचे हमारे? 40,000। तो 40,000, 20,000 इसके हिस्से में आ जाएगा और 20,000 इसके हिस्से में आ जाएगा। शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था, फर्स्ट या सेकंड, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि वो तो मैंने मिटा दिया, तो एक बार चेक कर लेना। माइनस करने का प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, चलिए ये चौथा एग्जाम्पल हो गया आपका, कि ये पॉइंट लिखने के बाद अब इसको नोट करना है। लेकिन देखो पहले वाला जो एग्जाम्पल नोट किया वो अलग करना है, इसको अलग करना, आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब एक बार इसको नोट करिए, इसके लिए मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट से नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, नोट करिए आप इसको। कर लिया नोट, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। चलो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसी में वेरिएशन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने लिखा यहां नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 70,000। तो बताओ कोई गड़बड़ी है? फिर तो सिंपल है जी, यहाँ पे 70,000 रहेगा और ये माइनस प्लस करके आंसर यही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। अब एग्जामिनर क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट ऑन 30 सितंबर 2019 को हुआ, तो हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नीचे ना फॉर द ईयर एंडेड भी आएगा, फॉर द ईयर एंडेड, तो हमारा आएगा 2021, 31/3/2021। ठीक है, ये लिख दिया मैंने।
अब इसने बिजनेस स्टार्ट कब किया है? 30 सितंबर को। तो आप मुझे देखो, मुझे बताना, अगर 30 सितंबर को बिजनेस स्टार्ट किया और अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा 31/3 में, तो इसने बिजनेस कितने टाइम के लिए रन किया? तो ओनली 6 मंथ, है ना? तो यही आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। सर इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे इम्पैक्ट देखो क्या आएगा, पूरा एग्जाम्पल नोट करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपने नोट करना ही करना है। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि आपका जो 70,000 है प्रॉफिट, ठीक है, आपका सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदल जाएगा। सर क्यों? क्योंकि 6 महीने का लगेगा, जब बिजनेस 6 महीने हुआ तो ब्याज भी तो 6 महीने का लगेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 और दूसरा आ जाएगा 2,500, 6 6 महीने का। सर ये 6 महीने का निकाल के बता दो, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 इंटू में 10/100, वेरी सिंपल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाई के लिए भी निकाल लेंगे, है ना? कैसे वाई के लिए निकालना है उसका भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 50,000 मल्टीप्लाई 6/12 ये मंथ है, इंटू में 10/100 ये परसेंटेज है, ये आ गया। क्या सैलरी पे फर्क पड़ेगा बताओ? बिल्कुल सैलरी पे भी फर्क पड़ेगा, ये पर मंथ है तो 6 महीने का कितने आने वाला है हमारा? 6,000। और 6 महीने में कितनी बार क्वार्टर आते हैं पता है? कितनी बार आएंगे? 2 बार, 2 क्वार्टर होते हैं हमारे, तो ये आएगा 4,000। क्लियर? देखो कितनी सारी चीजें बदल गई। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बदलेगा? नहीं, क्योंकि अमाउंट के आगे कुछ नहीं लिखा, फिक्स अमाउंट है। हाँ बिल्कुल सही। अब क्या करना है, ये सब तो लेस एड वाली बातें तो नहीं होनी है। अब सीधा क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 70,000 और ये 10,000, तो टोटल आ गया हमारा, अब भी स्टिल 75 है। आप ना बातों को समझो, कि इस तरीके से एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछ सकता है, कुछ नहीं एक बार समझ जाओगे तो 75 में से 25 माइनस कर दो अगर, तो 50,000 बचे। अब एक्स और वाई कितना बांट लेंगे, अगर रेशियो इक्वल है तो ये बांट लेगा 25,000 रुपये और ये बांट लेगा 25,000, टोटल क्या हो गया हमारे 50,000। समझ में आई ना बात आपको? बाकी मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हम अभी डिस्कशन करना बाकी है, उस पर करेंगे, उसका परसेंटेज किस किस तरीके से निकाला जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, बहुत सारी चीजों पे। इसमें देखिए कोई डाउट, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 5वां है ये, एग्जाम्पल नंबर 5वां है। 500 एग्जाम्पल अलग अलग नोट करना है रजिस्टर पे आपको, साफ साफ, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल चैप्टर हो गया ये। चलिए अब नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 5। कर लिया नोट। एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। मैं इसी में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन, ज्यादा आपको टाइम ताकि समझ में आ जाए, एक में ही कर देता हूं मैं। चलो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब ये लो, आप कहते हो मिटा देता हूं ये सारी चीजें, मिटा दिया। कहता है नेट प्रॉफिट जो है हमारा 70,000, कुछ नहीं बोला, और आगे कहता है फर्स्ट 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल नेक्स्ट 9,000 विल बी या नेक्स्ट 15,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट नेक्स्ट 15,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो। इसके बाद कहता है बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूट 3:2, ये कह दिया। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, बस ये थोड़े से मैंने ट्रिक लगा दिया यहां प्रॉफिट को बांटने में। तो फिर से वही मुद्दा है कि भाई एक्स और वाई के हिस्से में कितना आएगा, तो इसको इस तरीके से जो इसने स्टेप्स लिखे हैं इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर कॉम्प्लिकेटेड आ गया और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इतना भी नहीं कहोगे,
है सिंपल बातें कही है इसने, सिंपल सिंपल बातें। चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा उठा के, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अगर हाँ मैं बोलता नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस वाई का सैलरी, तो अब वापस ऐड कर देते वाई का सैलरी। मैं बोलता नेट प्रॉफिट चार्जेस बिफोर मैनेजर कमीशन या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसको माइनस प्लस करते, ठीक है ना। एक चीज और मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उसे हमें बिजनेस का खर्चा मानना है, भले ही मिलता पार्टनर को है लेकिन मानना आपको बिजनेस का खर्चा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, 10% है तो 10% के हिसाब से बताइए क्या आएगा, 10,000, और इसका क्या आएगा 5,000। सैलरी बताइए फटाफट, आप बताइए सैलरी, सैलरी क्या आएगा इसका, सैलरी आएगा इसका 12,000 और दूसरे का आएगा 8,000, तो ये 15,000 हो गया। ओहो क्या हो रहा है, ये 15,000 हो गया और ये हो गया 20,000, है ना। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो सर प्रॉफिट में कोई चेंजेस थोड़ी ना है, प्रॉफिट तो वही रहेगा, उसी प्रॉफिट को बांटने का तरीका इसने बोल दिया। तो अगर प्रॉफिट निकालो तो आपका निकलता है 40,000, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या बोलना चाहता है कि जो ये 40,000 है ना, इसको तीन टुकड़े में बांटो, एक पॉइंट नंबर इस टुकड़े में, पॉइंट नंबर टू इसमें, पॉइंट नंबर थ्री। बोलता है पहले इसमें से 10,000 अलग कर दो। मैंने बोला चलो ठीक है, तीन टुकड़ों में बांट देते हैं इसको। अगर इसमें से मैं 10,000 अलग करूं, और बोलता है फिर अगले 15,000 अलग कर दो, चलो। उसके बाद बोलता है बैलेंस बच गया, तो बैलेंस कितने बचेंगे, अगर आप 25,000 40,000 में से माइनस करते हो तो 25, तो 15 ही बचेंगे, है कि नहीं, 15 ही बचेंगे ना। अब इस वाले प्रॉफिट को बांटने का थोड़ा तरीका अलग बताया, इस वाले प्रॉफिट को बांटने का तरीका अलग बताया, इस वाले प्रॉफिट को बांटने का तरीका अलग बताया, इस वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए कहता है कि आपको इक्वल बांटना है, यानी ये वाला प्रॉफिट बटेगा किस में, एक्स में और वाई में। ये वाला जो प्रॉफिट है ये बटेगा किस में, एक्स में और वाई में। तो आपको ये वाला प्रॉफिट एक्स और वाई में बांटेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना अब आपको। तो ये वाला प्रॉफिट बटेगा कैसे, 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। ये वाला बटेगा कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो पता है कैसे निकालेंगे, एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल पता है आपको, 1,50,000, इसका रेशियो निकाल दो, काटो इन दोनों को, चलो वैसे लिख दे, और 50,000 इन दोनों को काटो आपस में, कैसे काटोगे आप, तो यहां से 4 0 कैंसिल, यहां से 4 0 कैंसिल, और यहां क्या आ गया 5, तो यानी 2:1, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशियो। तो समझ में आए कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों कैपिटल को रखेंगे और उसको काट के एक कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, उसको कैपिटल रेशियो बोलते हैं। तो इसको बांटेंगे 1:1 में, इसको बांटेंगे आपका 2:1 में, और इसको बांटने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, एक्स और वाई को बोल दिया, इसको 3:2 में ही बांटना है आपने। मैंने बोला चलो अच्छा, अब निकालते हैं प्रॉफिट एक्स के लिए और वाई के लिए, ठीक है। पहला हिस्सा एक्स में कितना आएगा, बांटे अगर हम इसमें तो 5,000 एक्स के हिस्से में, 5,000 वाई के हिस्से में, तो पहला हिस्सा 5,000 और इसमें भी बटेगा क्या, 5,000, क्लियर। पहले बात, पहला पॉइंट खत्म हमारा, प्लस आ रहे समझ में, फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट बटेगा 2:1 में, 15,000 को अगर 2:1 में हम बांटे, तो मैं यहां करके दिखाता हूं कि 15,000 को 2:1 में बांटोगे तो x का कैसे बटेगा, 15,000 इंटू में 2/5 और 15,000 इंटू में 1:1, 2/3, 1/3, तो काट दो 5, 10 और 5 बटेगा, कितना बटेगा बताओ, 10 और 5, मैंने यहां दिखाया ना करके, ये देखो ये आ गया 10,000 और इसका आंसर आ गया 5,000। तो दूसरे का आंसर के लिए इसको मिलेगा, दूसरे पॉइंट के लिए इसको मिलने वाला है 10,000 और इसको मिलने वाला है 5,000, बिल्कुल सही, बताओ कोई डाउट
है ना। पहले पॉइंट के लिए तो इसको मिलेगा 5,000, लो इसके आगे लिख भी देते हैं, ये पहले पॉइंट के लिए है और ये दूसरे पॉइंट के लिए। तीसरे पॉइंट के हिसाब से 3:2 में बांटा जाएगा। चलो बांट के दिखाता हूँ। तीसरे पॉइंट के लिए तो एक्स के कितने बटेंगे आपके, 15,000 है। रेशो क्या कहता है भाई, 3:2, तो इसको कैसे करेंगे, 3/5 यानी 3 9000, और y के हिस्से में क्या आ जाएगा, 15,000 इंटू में 2/5, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000। हो गया ना, टोटल भी करके देख सकते हो। पॉइंट नंबर थ्री के लिए इसको मिलने वाला है 9,000 और पॉइंट नंबर थ्री के लिए इसको 6,000। अब आप बताइए x को कितना मिला टोटल, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बताइए x और y को जोड़ दीजिए इसको, 5, 15 और 9, 24,000, और 5, 10 और 6, 16,000। अब टोटल पाएंगे कि आपका कितना आया, 40,000 जो कि था। तो कई बार एग्जामिनर हमारे इस प्रॉफिट के अंदर भी चेंजेस करके देता है, तो इस प्रॉफिट को हमें समझना पड़ेगा और किस तरीके से कौन सा रेशो निकालेंगे। कैपिटल रेशो समझ में आए, जो कैपिटल दे रखा होगा इसका रेशो। क्या हम कैपिटल को यहां लिखते हैं, नहीं, हमें कैपिटल नहीं लिखना होता, सिर्फ उसका ब्याज अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो ये कैपिटल मेरे किसी काम का नहीं है। जब हम प्रिपेयर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां तक बात समझ में आई, चलिए एक बार आप इसको डिटेल में नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा हो गया हमारा, 6 हो गया, 6 या 7 हो सकता है आपका, तो आप इसको अलग अलग नोट करिए, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं रीड करके दिखाता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर मैं होमवर्क में दूंगा, वैसे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए आप, विजुअल है, हाँ ठीक है। कहता है 6 पॉइंट ए में क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर, ए का कैपिटल दे रखा है, बी का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, बी एंटायर्ड सैलरी 3,000 पर मंथ। तो बताओ बी को जो सैलरी है वो 3,000 पर मंथ है, तो क्या सैलरी मिलेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 80,000, तो बताओ इस प्रॉफिट को क्या चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज, नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है, जो कि पार्टनर का तो माइनस नहीं होना चाहिए, और सैलरी भी तो ठीक प्रॉफिट है, तो सिंपल 80,000 बाई साइड में आ जाएगा और बाकी सारा आप नॉर्मली कर लोगे, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो सारा होमवर्क में करना है। 7 को देखिए ध्यान से, ठीक है। कहता है एक्स एंड वाई जेड पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, तो प्रॉफिट को कैसे बांटना है 2:1 में, ये आप अच्छे से जानते हो। द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 50,000। अब फिक्स कैपिटल के ऊपर अंडरलाइन करिए, ये मैं आपको अगली क्लास के अंदर समझाऊंगा फिक्स और फ्लक्चुएट कैपिटल क्या होता है। वाई का कैपिटल दे रखा है, जेड का कैपिटल दे रखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 10% एंड जेड शुड बी अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ का मतलब समझ में आ रहा है आपको, 2,000 पर मंथ का मतलब है आपका के 24,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड जो दे रखा है, जेड का सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख, तो अब बताओ क्या करेंगे, इस 4 लाख में से जेड की सैलरी माइनस है, तो सिंपल सा जवाब है कि आप 4 लाख में से जेड की सैलरी दोबारा ऐड करोगे और फिर आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, यानी आप काफी हद तक, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के भी और असाइनमेंट दूंगा तो समझ में आएगा, इसको नोट कर लिया आपने। हाँ जी, नोट कर लिया, चलिए इससे मिटा देते हैं। और भी कुछ एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, है सिंपल सा एग्जाम्पल जो भी हमारा 6-7 था शायद, उसके बाद देखिए ये मिटा देते हैं इसे।
ठीक है, इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल कर दें क्या, ऐड करके इसी क्वेश्चन में? बिल्कुल इसी क्वेश्चन में कर दे। तो आपको ध्यान से देखना और अलग अलग नोट करोगे तभी समझ में आएगा, अलग अलग नोट करना है आपने एक एक करके। देखो, मैंने ये प्रॉफिट दिया और मैंने कहा मैनेजर कमीशन 10%, ये वर्ड मैंने बोल दिया, मैनेजर का कमीशन 10% है। अब कैसे करा जाए? तो पहले जो चीजें हैं, मैं यहाँ पे प्रॉफिट पहले ठीक करना है, इसको छोड़ता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैंने लिख लिया, सैलरी भी लिख लिया, सब कुछ लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मैनेजर का, तो यहाँ प्रॉफिट ठीक करना है। तो सबसे पहले आप बताओ, इस 70,000 रुपये में से जो मैनेजर का आपका कमीशन बोलता है उसे माइनस करना चाहिए। मैनेजर का कमीशन क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए 70,000 में से। तो 70,000 में मैनेजर का कमीशन हमें माइनस कर देना चाहिए। मैनेजर का कमीशन होगा कितना? तो मैनेजर का कमीशन इस प्रॉफिट पे ही निकाला जाएगा, यानी 70,000 का ही 10% निकाला जाएगा। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 यानी 7,000। तो अब जो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, वो लिखना पड़ेगा 63,000 रुपीज। नाउ अब टोटल करेंगे और जैसे क्वेश्चन करते आए थे वही करेंगे। तो कई जगह पे आपको क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दूंगा तो वो देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो 68,000 और यहाँ पे देखोगे 68, उसमें से माइनस करना है 35। तो 35 माइनस करके जो भी हमारा बचता है 32, उस 32 को क्या करेंगे, हम बांट देंगे रेशियो में, जो भी रेशियो है हमारा 1:1 में बांट देंगे। समझ में आई बात आपको? लेकिन अगर मैं बोलता, यहाँ तक पहले समझ में आया आपको कि 68 में अगर मैं माइनस कर दूँ 35 है ना, 33 बचेंगे, ठीक है ना। तो 33 में x और y में बांट दो, 33 तो 15 और 16,500 है ना, ये बट जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे कह देता अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पहले नोट करो फिर अगला एग्जाम्पल देता हूँ मैं। नोट आपने पूरा एग्जाम्पल करना है पॉज करके आराम से। अब एग्जाम्पल मुझे भी याद नहीं है भाई, ये मेरे ख्याल 8वां एग्जाम्पल है, ठीक है, 8th एग्जाम्पल है ये, नोट करिए इसको भी। नोट करिए 8वां एग्जाम्पल को, देखिए, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे कहता 10% आफ्टर चार्जिंग, 10% आफ्टर चार्ज, ठीक है। अब हमारा देखो जो प्रॉफिट करेक्ट करते कैसे करते, 70,000 तो लिखते ही लिखते, इसमें से आपको 11th क्लास में याद होगा बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज वही वाला पॉइंट आ गया। इस 70,000 में से मैनेजर का कमीशन 10% माइनस नहीं करना, कमीशन निकालने का तरीका होगा अब 70,000 इंटू में 10/110 यानी 10/110। तो 10/110 जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम यहां से माइनस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का हम अगर 10/110 निकालो, फटाफट क्या आता है, फटाफट निकालो, सत्तर हजार का इंटू 10/110 तो ये आ गया हमारा 63,63, ठीक है। अब भाई जिसने निकाल लिया ठीक है, नहीं निकाला तो अब मैंने निकाल दिया, वो देख ले, तो 63,367 आ गया। तो अब हमें जो यहाँ प्रॉफिट लिखना है ना, अगला एग्जाम्पल है ये, 63,637 लिखना है आपने। अब सिंपल टोटल करिए, फिर से वही आ गया हमारा प्लस 5,000, 68,637, ठीक है। माइनस कर देते हैं 35,000 डिवाइड, तो एक के हिस्से में आ गया 16,819 आ गया, 0.5 था ना इसलिए कर दिया, ठीक है। चलिए
तो मैंने यहाँ पे अभी आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पूरा जहाँ तक बताना था बता दिया। अब हम कुछ बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो कुछ पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो उससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूँ। इसको भी नोट करिए आप आराम से पहले, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे, ठीक है, मिटा दिया। अब चलो मैं यहाँ पे इसे भी मिटाते हैं। क्वेश्चन मैंने एक फ्रेश क्वेश्चन ले लेना है। मैंने ड्राइंग लिया, ड्राइंग पूरा क्वेश्चन मैं चेंज करने जा रहा हूँ। आप बहुत देर से बोर हो गए इसको देख देख के। पूरा क्वेश्चन चेंज चेंज, सैलरी भी हटा दो। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ड्राइंग मैंने बताया इसका 20,000 है, इसका 15,000 है, ठीक है। ये अगला एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। और अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहा हूँ। सपोज करो मैंने बताया 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है। सैलरी नहीं देते अब क्वेश्चन में, सिर्फ इसी पे बात करते हैं। और नेट प्रॉफिट मैंने बता दिया, नेट प्रॉफिट बता दिया मैंने, सपोज करो 60,000 रुपये। अब आप एक्स और वाई जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो सिंपली हम लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, है ना। कितने लिखने हैं हमें, 60,000। नेट प्रॉफिट 60,000 बाय साइड में, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और बाय साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन, अब बताइए किस किस का आएगा, एक्स का भी आएगा और वाई का भी आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाए? अब देखो, जब कुछ भी ना बोला हो क्वेश्चन में तो हम एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, याद रखना। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, मैं नोट भी लिख देता हूं, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेट ऑन एवरेज बेसिस, बेसिस। एवरेज बेसिस का मतलब क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू 1/2, ये है एवरेज बेसिस का मतलब हमारा, ठीक है ना। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मुझसे पूछो तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 20,000 मल्टीप्लाई रेट 10/100 इंटू में 1/2। सेम ऐसे वाई का निकालेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू में 1/2। तो देखा जाए तो एक्स का ड्राइंग का आएगा 1,000 और वाई का आएगा 750, 750। तो ये आ गया 1750। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही रहेगा, 10,000 और 5,000, इस पे एवरेज नहीं लगता आपका, तो टोटल हो गए 25,000, ठीक है। 25,000 टोटल करिए, 60,000 प्लस 1750, 61,750, 61,750 माइनस 25,000, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ करेंगे बताओ, याद है कुछ? कैपिटल एक्स और वाई में बांट दो। रेशियो में दे नहीं रहा, बाकी रेशियो में तो बांटना आपको पता ही है कैसे बांटना है, 1:1। तो ये बट जाएगा हमारा 1,83,75, 1,83,75, ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो मेरे ख्याल ये एग्जाम्पल नंबर 9 है,
तो आप फटाफट से नोट करिए और एकदम क्लीन नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, तभी मैं आपको आगे की क्लास प्रोवाइड करूँगा। तो जल्दी से नोट करिए आप इसको, फिर अगली क्लास भी करेंगे हम। करिए नोट। क्या किसी का डाउट है इसमें? मतलब हमें समझ में आया ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब रेट दे दे तो उसके हम क्या करते हैं, एवरेज। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ से, अब अगला क्वेश्चन है, मैं 9, 10 जो भी है वो साफ साफ नोट करके मुझे बताना, मुझे थोड़ा याद नहीं है, मैंने तो जल्दबाजी में कर दिया, मतलब जितने भी पॉइंट्स करने थे वो तो मुझे मैंने कर दिया। चलो इसे मिटा देते हैं। अब मान लो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम वर्ड हटा देता हूँ, क्या मेरा आंसर सेम रहेगा या चेंज होगा? बताइए, क्या आंसर चेंज होगा या सेम रहेगा? आपका जवाब और मेरा आंसर है कि ये आंसर जो रहेगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? उस केस में एवरेज नहीं लगाएंगे क्योंकि पर एनम वर्ड ही नहीं है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ? 2000 अगला एग्जाम्पल है, और ये क्या हो जाएगा? 1500, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3500। तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, है ना? 63,500, 63,500, है ना? और जब ये चेंज हो जाएगा, -25,000 3/2, तो ये आ जाएगा 19,250। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, तो देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि चलो आज स्टार्ट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन, खत्म चैप्टर, ये तो कर नहीं सकता मैं। तो मुझे तो सारे कॉन्सेप्ट कराने होते हैं, तो सारी चीजें थोड़ी लंबी होगी, तो आपको देखना तो पड़ेगा अगर नंबर लेने हैं तो। यहाँ पे अगर आप बोलते हो सर निकाल के दिखा दो, चलो आपके लिए निकाल देता हूँ मैं, ये लो। यानी पर एनम ना होने के कितने फर्क है पता चला आपको? पर एनम रेट देता है अगर, तो फिर आप क्या करते हो, पर एनम वर्ड को देगा तो एवरेज करोगे, नहीं देगा तो नहीं। चलिए ठीक है, इसको भी नोट करिए पहले आप, फिर एक और एग्जांपल देखेंगे। नोट करिए, कर लिया नोट। चलो इसको नोट करने के बाद और क्या एग्जाम्पल लें? सर अगर टाइम दे दे तो क्या होगा? बिल्कुल सही। मान लो इसको मैंने विड्रॉन किया है, मैं टाइम दे देता हूँ, इसको किया मैंने 30 सितंबर को और इसको किया मैंने 1 जैन को, ठीक है? अब बताओ क्या आंसर सेम रहेगा, बदल जाएगा? बिल्कुल आंसर बदलेगा। और यहाँ पे पर एनम है, ठीक है ना, बदलेगा। क्या एवरेज बेसिस पे निकलेगा? अब एवरेज बेसिस पे नहीं निकलेगा। जब ड्राइंग आपको बताया जाए कि मैंने 20,000 निकाल लिया साल में, और ये ना बताया जाए कि कब निकाला, तब एवरेज नहीं लगता। एवरेज कब लगता है आपको? जब बता दे, सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ, जब ड्राइंग आपको बताया जाए पूरे साल में निकाला गया, कब निकाला गया ये नहीं बताया तो एवरेज बेसिस लगेगा। जब आपको ड्राइंग निकाला गया और कब निकाला गया ये बताया तो कोई एवरेज बेसिस नहीं है, तो टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखो आपका, अगर मैं लाइन यहाँ पे खींचूं, पूरा साल ये है मेरा और ये है मेरा, ये एक्स के लिए वाई के लिए। अगर उसने सितंबर में ड्राइंग किया तो कितने टाइम यूज किया? 6 मंथ, तो इस पे 6 मंथ। इसने जैन में किया तो जैन फेब मार्च कितने महीने यूज किया? 3 मंथ, तो दूसरे पे 3 मंथ का। तो अगर मैं एक्स वाले पे ड्रॉइंग पे निकालू तो 20,000 रुपये निकाला है इसने, 10/100, और कितने महीने? 6/12। और दूसरे पे निकालू तो 15,000 × में 10/100 कितने महीने यूज किए बताओ? सिंपल सा लॉजिक है ना, जितना यूज करोगे जैन के बाद तो 3/12। तो इस तरीके से होगा। अच्छा तो इसके लिए अब आ जाएगा 1,000 रुपये, है कि नहीं? और दूसरे के लिए आ जाएगा हमारा 375। चलिए 1375। अब फिर आंसर चेंज हो गया, देखो +60,000, 61,375,
61375 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 2। रेशियो नहीं पता तो सर इक्वल होगा 18187 और 18188। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो ये नोट करो, ये शायद 10वां है एग्जाम्पल, नोट करिए इसको। कर लिया नोट? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब मैंने आपको नेट प्रॉफिट दिया, सब कुछ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो पर एनम भी नहीं है, तो ये तो करना आता ही है। अब मैंने डाल दिया यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मान लेते हैं कि 10,000 या 1 लाख और इसका 45,000। तो सबसे पहली बात, जब आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना होगा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोलूं तो मेरा सॉल्यूशन देखो क्या होगा। 60,000 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट मैंने दे दिया आपको, 60,000, ध्यान से देखना क्या चेंजेस होगा। 60,000 फ्लैट रेट है हमारा, पर एनम तो है नहीं, तो एवरेज करेंगे नहीं, तो 2,000, 1,500, 3,500 और ये क्या आएगा बताओ, ये 63,500 और ये 63,500। अच्छा यहाँ पे 63,500 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाई 2, 19,250, 19,250, 19,250। ठीक है ना, समझ में आई बात आपको, 19,250। और ये आ गया 38,500, ये आंसर। सर ये तो पहले जैसा ही हो गया, बिल्कुल सही। करंट अकाउंट का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो करंट अकाउंट का हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाएगा? कोई इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा, इसको इग्नोर करना है, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, इग्नोर करके चलना है P&L अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम पे। हाँ एक चीज चेंज होगा, आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू यहाँ करंट अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, बस ये चेंजेस, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको भी नोट करिए आप, मैंने एक क्वेश्चन बनाया और ये इसको नोट करिए, एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 जो भी है नोट करिए फटाफट से। कर लिया नोट? नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन 1 अप्रैल। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अभी फिलहाल नहीं करना, ये अगली क्लास के अंदर टारगेट रखेंगे हम। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। कहता है अमित एंड विजय, अमित एंड विजय स्टार्टेड बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। ये भी ध्यान रखना है कब किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसने किया हो और कब किसी डेट पे तो गड़बड़ हो सकती है। 1 अप्रैल को आगे कहता है क्वेश्चन में, देयर कैपिटल कंट्रीब्यूट वर, इनके कैपिटल दे दिए। डीड में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% किस पे निकालोगे? 2 लाख पे और 15,000 पे, 1.5 लाख पे, सॉरी। सैलरी मिलेगा 2,000 रुपये पर मंथ, तो कितने होंगे बताओ पूरे साल के? 24,000। विजय को 3,000 रुपये, तो आपको पूरे साल का निकाल लोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, अब इक्वल नहीं मान लेना आप, आपको दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद कहता है प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन 2,16,000, तो प्रॉफिट सही है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करके दे रखा है इसने। एक बात और ध्यान रखना, जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी दे दे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे, तो रेट का कोई वैल्यू नहीं रहता, जो दे रखा है कैलकुलेट करके वही मानेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन बताना, इसके आंसर है, ये भी आपने करने हो जाएंगे आपका ये। ठीक है, इसके बाद चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो असाइनमेंट पे मैं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि ए बी और सी तीन पार्टनर है और ए वर पार्टनर इन अ हैविंग कैपिटल दे रखा है आपको।
तीनों का रिस्पेक्टिवली। द करंट अकाउंट बैलेंस, अब देखो यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है आपको, तो क्या करंट अकाउंट का बैलेंस का कोई यूज है? कोई यूज नहीं है, इसको हटाओ। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एंटायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो किस पे इंटरेस्ट निकालोगे? इस कैपिटल के ऊपर, इस कैपिटल के ऊपर। सी बीइंग इज अ वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटायर्ड अ सैलरी 12,000 पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम। इंटरेस्ट द प्रॉफिट वर डिवाइडेड एज, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया इस आपको, और नीचे क्या इंफॉर्मेशन देता है? कहता है कि जो आपको प्रॉफिट डिवाइड करना है फर्स्ट टू 20,000 रुपीज कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो में। नेक्स्ट आपका 30,000 रेशो दे दिया इसने, रिमेनिंग इक्वली। तो मैंने कुछ अलग इक्वेशन बनाया था तो इन्होंने अलग बना दिया थोड़ा। कहता था फर्म का प्रॉफिट ये है और आपको प्रॉफिट बांट के दिखाना है, ठीक है। तो देखो इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया, तो बस आंसर किस में निकालोगे आप? आंसर निकालोगे बस प्रॉफिट का, लास्ट में करंट लिखना और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, रेशियो दे रखा है, कैपिटल दे दिया इन दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अलाउड सैलरी 6,000 रुपीज, नॉट बीन विड्रॉन। वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 6,000 विच वॉज नॉट बीन विड्रॉन। इसका कोई मतलब नहीं है विच वॉज नॉट बीन। वैसे भी किसी पार्टनर को अगर सैलरी लेता है तो आपने देखा होगा प्रॉफिट जब भी निकलेगा या सैलरी निकलेगा तो ड्रॉइंग के फॉर्म में निकलेगा, निकलेगा ही नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड प्रायर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, जो कि सही है 24,000। अब 24,000 कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें क्या कह दिया इसने लास्ट में? कहता है कि आ प्रोविजन 5% इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन का कमीशन 5% देना है। तो आपको इस 24,000 रुपए पे, जो 24,000 है उस पर 5% निकाल के पहले माइनस करना है, उसके बाद वो सही प्रॉफिट आएगा और फिर आगे आपको फर्दर इसका प्रोसेस करना ही करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैं सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना।